सभी खबरों से जुड़ी किसी भी छोटी या बड़ी अपडेट को पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल खबरी चौखट को, और किसी भी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि हम रखते हैं चप्पे चप्पे पर नजर। भारत का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 3 चांद की तरफ जाने वाली अपनी आखिरी कक्षा में पहुंच गया है। यह वह पल है जहां से चंद्रयान की यात्रा में महत्वपूर्ण लेकिन निर्णायक बदलाव होने हैं। इसरो के मुताबिक इस ऑर्बिट में पहुंचने के बाद वह लैंडर को अलग करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। ट्वीट में कहा गया कि आज इंजन को सफलतापूर्वक ऑन करने के बाद उसने चांद की तरफ जाने वाली एक ऑर्बिट को पूरा कर लिया है। अब उसकी दूरी 153x163 किलोमीटर रह गई है। यहां से लैंडर को अलग किया जाएगा और इस मिशन का करियर 17 अगस्त से एक और राउंड को पूरा करने के बाद अपनी अलग अलग यात्राएं शुरू करेगा। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो लैंडर 23 अगस्त को अपने तय समय के मुताबिक चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि हम चांद के काफी करीब पहुंच चुके हैं। इसरो वैज्ञानिक का कहना है कि अगर सब कुछ ठीक रहता है तो आने वाले दिनों में उनका लैंडर चांद पर होगा। इस सफलता से चांद की यात्रा के लिए आगे के प्रवेश द्वार खुलेंगे। अगर यह मिशन सफलतापूर्वक होता है तो भारत यह कारनामा करने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। यही नहीं, भारत दुनिया का पहला देश होगा जिसने बिना किसी हैवी रॉकेट के इस मिशन को पूरा किया है। इसके अलावा भारत के खाते में एक और उपलब्धि आ जाएगी, जिसके अनुसार भारत सबसे कम दाम में इस मिशन को अंजाम देने वाले देश में से एक होगा। खबरी चौखट की रिपोर्ट।